अर्चना तुम कहाँ थे बेटा? हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अरे चाय के दो सेशन हो गए हैं, नाश्ते का हो गया है, तुम और तुम्हारा होने वाला पति दोनों गायब हो। बाबा होता है होता है, पहली बार जब अपने होने वाले उनके साथ बाहर जाओ ना, न चाहते हुए भी देर सवेर हो ही जाती है, बाबा समझा करो ना। अरे जयवंत, अर्चना अर्चना, तुमने आज मेरे साथ जिस तरह बर्ताव किया, क्या तुम मुझे उसका मतलब समझा सकती हो? अर्चना मुझे ये सब सहन नहीं हो रहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, मेरी सवाल का जवाब दो, क्यों ऐसा बर्ताव किया तुमने आज मुझसे, क्यों? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। सब कुछ जहां पे शुरू हुआ था आज भी वहीं पर है। इतनी कोशिशों के बाद भी मैं मेरे और अर्चना के रिश्ते पर पड़ा हुआ मानव का साया दूर नहीं कर पा रहा हूं। आपके घर में सब कुछ ठीक है? बस बस एक ही प्रॉब्लम है, वर्षा की प्रेगनेंसी को लेकर जो जो मेरी राय है ना, उसके लिए मैं उसे अभी तक कन्विंस ही नहीं कर पाई हूँ। आई अब फिर से वही बात लेकर बैठ गई। वर्षु वो क्या गलत कह रही है? तुम्हारी भलाई के लिए कह रही है वो। आई अब इसी वक्त मैं ये सारी बातें नहीं करना चाहती, प्लीज। अकबर आई जाने दीजिए ताई, ये आजकल की पीढ़ी है, इनकी अपनी सोच है, इनके हिसाब से जो सही है ना, जो ये कर रहे हैं वही सही है। तुम ऐसा कर सकती हो अर्चना? तुम नहीं, नहीं मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा, अपने आप को बचाने के लिए तुमने मानो को सूली पर चढ़ा दिया। तुमने क्या किया है जी? तुमने झूठा डिक्लेरेशन साइन करके मानो को गुनेगार साबित किया है, सजा दी है उसे, और शायद शायद मौत। अजीत तुम, हाँ अर्चना हाँ, मैं खुद वो पेपर देख के आया हूँ जिस पर तुम चारों के साइन है, उसमें साफ साफ लिखा है कि फैक्ट्री में जो हादसा हुआ उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मानव जिम्मेदार है, ना कि तुम चारों। तुम्हारे इस एक डिक्लेरेशन की वजह से मानव के जेल से बाहर आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। धर्मेश सर, जयवंत सर, यहां तक कि सतीश सर का साइन करना मैं समझ सकता हूं, लेकिन तुम तो जानती थी ना कि मानव बेगुनाह है, पर तुमने कैसे किया ये सब? जिस वकील से मिलकर आपने झूठे पेपर्स बनवाए थे ना, वो कभी मेरा लीगल एडवाइजर हुआ करता था, अच्छे दोस्त थे हम, आज अचानक उससे मुलाकात हो गई, वो अपने करंट केसेस के बारे में बता रहा था, तभी उसने मानव के केस का जिक्र किया। अगर वो मेरे और मानव के रिश्ते के बारे में जानता था तो ऐसा कभी नहीं करता, लेकिन पापा चाहता था कि आपकी सच्चाई मेरे सामने खुले, इसलिए पापा ने उसके मुंह से तुम सबकी सच्चाई उगलवाई। अच्छा, इन पेपर्स पे साइन करने थे, जरा अर्जेंट है। ये सब आपने किया? कहिए ना जयवंत, ये सब आपने किया? आपकी हिम्मत कैसे हुई करने की जयवंत?